जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, पश्चिम मध्य रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति ZRUCC की 21वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें जबलपुर से रायपुर, वायनपुर बालाघाट, गोंदिया रेल मार्ग से रेल सुविधा का मामला उठाया गया। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में 13 मार्च मंगलवार को क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें रेलवे के विकास एवं यात्री सुविधाओं के विस्तार पर चर्चाएं की गईं। बैठक में लंबे समय से महसूस की जा रही अमृतसर पुणे रायपुर के लिए सीधी रेल सेवा का मामला पुनः गूंजा। परामर्शदात्री समिति के सदस्य डॉक्टर सुनील मिश्रा ने जबलपुर पुणे के मध्य संचालित सप्ताह में एक दिन चलने वाली रेल के फेरे बढ़ाने का सुझाव दिया और वायनपुर बालाघाट गोंदिया होकर रायपुर तक और शहर से अमृतसर के लिए सीधी रेल सेवा की बात रखी। बैठक में डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि पटना से आकर पुणे जाने वाली नियमित रेल में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। यही स्थिति भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस में भी रहती है। शहर से पुणे रायपुर के लिए हवाई सुविधा भी नहीं है। शहर से बड़ी संख्या में लोग धार्मिक, व्यापारिक एवं पर्यटन यात्रा पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की यात्रा करते हैं। इनकी सुविधा के लिए जबलपुर से दिल्ली तक चलने वाली ट्रेनों को अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, ऊना तक संचालित किया जाए। रेलवे चाहे तो जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी धाम के मध्य संचालित साप्ताहिक रेलों को अमृतसर होकर संचालित करके भी यात्रियों को लाभ प्रदान किया जा सकता है। इन प्रस्तावों पर उचित निर्णय का आश्वासन पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय शोभना बंदोपाध्याय ने बैठक में दिया है। दोस्तों इस प्रकार पश्चिम मध्य रेलवे की 21वीं रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न हुई। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किस नए वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।